गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इंस्टाग्राम की प्राइवेसी एंड पब्लिक कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगी, और उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आपने मुझे कमेंट में बता देना अगर यूट्यूब वाले अफोर्ड करते हैं मेरा कमेंट खोलते हैं तो बता दें, वरना मुझे शॉर्ट वीडियोस में भी दूंगी तो आप उसमें मुझे बता सकते हैं कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। पहला कि मैं आपसे डांसिंग चैनल बनाऊँ, जब मैं चैनल बनाने वाली हूँ तो मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन सा चैनल बनाऊँ। पहला कि मैं डांसिंग चैनल आपको उसमें से स्टेप बताया करूँ डांसिंग के वो, एंड दूसरा कि मैं आपको व्लॉग्स लाऊँ, एंड मैं ना व्लॉग्स लाया करूँ आप लोगों के लिए, न्यू व्लॉग्स वगैरह वो लाया करूँ, और तीसरा मैं जैसे भी बताती हूँ शॉर्ट व्लॉग्स एंड वीडियोज जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं इसके भी बता देती हूँ, और वो कि मैं आपको इसे बता दिया करूँ शॉर्ट वीडियोस, एंड चौथा कि मैं इंफॉर्मेशन चैनल बताऊँ मोबाइल का इंफॉर्मेशन वगैरह, जैसे न्यू अपडेटेड आए मैं आपको बताया करूँ व्हाट्सएप सेटिंग वगैरह के बारे में, कैसे कोई अकाउंट पब्लिक करते हैं उसके बारे में, या न्यू जैसे इफेक्ट आते हैं इंस्टाग्राम के बारे में वो उसके बारे में बताया करूँ, या फिर व्लॉग्स बनाया करूँ। आपने मुझे इसमें बताना है कि मैं क्या करूँ, तो बिना देरी किए व्लॉग्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम करते हैं व्लॉग स्टार्ट, एंड ओके सो गाइस सबसे पहले अपने चैनल इंस्टाग्राम में, ये इंस्टाग्राम नज़र आ रहा है ना गाइस, इंस्टाग्राम मैंने ऑन कर लिया, एक मिनट आपको फिर बता देती हूँ। इंस्टाग्राम ऑन किया मैंने, एंड मैंने पहले से थोड़ा खोल के रखा था, और मेरी आईडी है ब्लिंक्स गुड गर्ल की, और गाइस मेरी एक और भी आईडी है हानिया नासिर की, आप मुझे उसमें फॉलो कर सकते हैं। ओहो मोबाइल में कोड है हानिया नासिर, आप मुझे उसमें फॉलो कर सकते हैं। और मेरी एक ब्लिंक्स की भी आईडी है, मतलब तीन आईडी हैं मेरी, एक मेरी ब्लिंक्स की आईडी भी है, और ये ब्लिंक गुड गर्ल की है, ये मेरे दूसरा मोबाइल उसकी आईडी है। पहले मेरा क्या कहते हैं मेरी हानिया नासिर वाली आईडी, प्लीज़ आप लोग देखिए हानिया नासिर वाली आईडी, उसमें मेरी पिक्स हैं वीडियोस हैं आप बता सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको अभी बिना देरी करे आपको बता देती हूँ। तो गाइस ये आप इस तो देख रहे हैं, ये जो सा है थ्री ये लाइनें लगी हुई हैं, ये यही होता है मेरे साथ हमेशा, ये जो थ्री लाइनें लगी हुई हैं आप लोग देख रहे होंगे, ये मैंने अभी भी न्यू आईडी ये बनाई है, इसकी वजह से कम फॉलोअर हैं। ये नहीं दिख रहा आपको, फिर भी क्रॉप करके दिखाती हूँ। ये थ्री लाइन्स आपने इसको दबाना है, आपके पीछे आ जाएंगे सेटिंग व्यूअर एक्टिविटी और क्यूआर कोड सेव स्टूडेंट कोविड इंफॉर्मेशन सेंटर, एंड आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग में जाते ही आपके पास प्राइवेसी नोटिफिकेशन सिक्योरिटी एड्स ये सब आ जाएंगे, इनमें से कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्राइवेसी में जाना है। ये मैंने प्राइवेट जाए बहुत ही ईजी है, आपने प्राइवेट अकाउंट को चुनना है, प्राइवेट अकाउंट किया कि फिर स्विच टू प्राइवेट हमने इससे दबा दिया, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा नज़र आएगा देखने को, आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस राइट को दबा देना है, तो आपका अकाउंट हो चुका है प्राइवेट। तो आप वापस पब्लिक करना हो सही है, दबाइए सेटिंग पे जाओ, प्राइवेसी में वापस जाओ, यहाँ से हटाओ, स्विच टू पब्लिक को दबाओ, एंड राइट कर दो, एंड योर अकाउंट इज पब्लिक। तो गाइस हमारा अकाउंट पब्लिक हो चुका है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज नॉट स्किप माई वीडियो, प्लीज़ देख लीजिए, और प्लीज़ डिसलाइक मत कीजिए, मैं शॉर्ट वीडियोस लाती हूँ आप उसमें भी डिसलाइक कर देते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड जितना हो सके उतना प्लीज़ लाइए। तो टाटा बाय बाय, थैंक यू गाइस, एंड इतना प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे 92 फॉलोअर्स हैं, टाटा बाय बाय।